बेअदबी, ये शब्द पंजाब के लिए काफी संवेदनशील है। वैसे तो इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह इसकी गंभीरता का एक और उदाहरण मिल गया है। पंजाब के फगवाड़ा में मौजूद एक गुरुद्वारा से बेअदबी करने का एक युवक के ऊपर आरोप लगा और फिर रमनदीप सिंह नाम के एक निहंग सिख ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि रमनदीप अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पंजाब में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में एक बड़ा समुदाय ये मानता है कि बेअदबी की सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन भारत का संविधान अभी तक इसकी इजाजत नहीं देता और शायद यही कारण है कि पंजाब में हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसमें बेअदबी के आरोप में पीट पीट कर लोगों को मार डाला गया। इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, आखिरकार बेअदबी होती क्या है, पंजाब के लोगों के अंदर बेअदबी को लेकर कितना गुस्सा है और भारत का संविधान इसे लेकर क्या कहता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। पंजाब में सिखों का एक तबका अभी से नहीं बल्कि दशकों से बेअदबी को लेकर काफी संवेदनशील है। अगर मंगलवार की सुबह की घटना को देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। 18 दिसंबर साल 2021 को एक युवक ने अमृतसर के दरबार साहिब से बेअदबी की कोशिश की, जिसे कथित तौर पर इतना पीटा गया कि उसकी वही मौत हो गई। इसके ठीक एक दिन बाद 19 दिसंबर साल 2021 को ही कपूरथला में एक शख्स पर वहां के गुरुद्वारे निशान साहिब से बेअदबी का आरोप लगा, उसे भी इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ऐसे में आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि बेअदबी होती क्या है। वैसे तो बेअदबी का शाब्दिक अर्थ होता है अपमान, और जहां तक सिख धर्म की बात की जाए तो तीन चीजों को मुख्य तौर पर बेअदबी के तहत देखा जाता है। पहला तो है गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का अपमान किया जाना, दूसरा है गुरु ग्रंथ साहिब के रखने के स्थान को नुकसान पहुंचाना, और तीसरा है सिख गुरुओं के बताए रास्ते को या इतिहास को बदलने की कोशिश करना। इन तीनों के अलावा गुरुद्वारे के अंदर नशा करना, शराब पीना, अश्लील हरकतें करने को भी बेअदबी माना जाता है। कुछ सालों पहले एक महिला के ऊपर गुरुद्वारे के अंदर शराब पीने का आरोप लगा, उसे कथित तौर पर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पंजाब में ऐसी हिंसक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका प्रूफ देता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। साल 2018 में पंजाब में हुए कुल अपराधों में बेअदबी के मामले 0.7% थे, जबकि दूसरे राज्यों में ये आंकड़ा 0.1% से 0.4% के बीच में था। साल 2019 में भी पंजाब के कुल अपराधों में 0.6% बेअदबी के मामले थे और साल 2020 में 0.5%। ये तो हो गई सिर्फ बीते कुछ सालों की बात, लेकिन पिछले कुछ दशक में बेअदबी के कारण भारत में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। साल 1970 में निरंकारी मिशन के प्रमुख गुरबचन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की बताई परंपरा को बदलना चाहा था, जिसे बेअदबी माना गया, और फिर साल 1980 में उनकी हत्या कर दी गई। साल 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी बेअदबी माना गया, और इसके कुछ सालों बाद सिख सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। साल 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहन ली थी, इसे भी बेअदबी माना गया और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। साल 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी हुई। इस मामले में तनाव इतना बढ़ा कि 2 साल बाद पंजाब के लोगों ने सत्ता ही बदल दी। इन घटनाओं को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि पंजाब के लोगों का एक बड़ा तबका बेअदबी के मामले में काफी संवेदनशील है। ये लोग पहले बेअदबी के मामले में 10 से 20 साल की सजा की मांग करते थे, जो अब बढ़ते बढ़ते फांसी तक पहुंच गई है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि बेअदबी के मामले में हमारा संविधान कितना संवेदनशील है और इस मामले के दोषियों को कितनी सजा दी जाती है। भारत के संविधान में बेअदबी के मामले में सजा आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत दी जाती है, जिसके मुताबिक गुरुद्वारे या वहां की पवित्र चीजों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है, और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मकसद से की गई बेअदबी पर 3 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया है। लेकिन साल 2015 में फरीदकोट में हुई घटना और तनाव के बाद पंजाब सरकार ने साल 2018 में बेअदबी के कानून में संशोधन करना चाहा और उसमें एक और धारा 295A को जोड़ा गया, जो ये कहता है कि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबल से बेअदबी करने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। लेकिन इस संशोधन पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और मामला अटक गया। लेकिन पंजाब में इसे लेकर संवेदनशीलता काफी बढ़ती जा रही है और ऐसे मामले आए दिन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। नॉलेज से भरपूर इसी तरह की एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।